तिरंगा में हुई राजधानी दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्वतंत्रता दिवस और भारतीय सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस तिरंगा यात्रा का मकसद लोगों को चाइनीज सामान के बहिष्कार का संदेश देना और भारतीय सेना का सम्मान करना था। राजधानी दिल्ली का रोहिणी इलाका तिरंगा में दिखाई दिया। बाइक पर सवार इन युवाओं ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर विशाल तिरंगा रैली निकाली। रैली का नेतृत्व बाहरी जिले के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राजपाल शौकीन ने किया। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। युवाओं में भारतीय सेना और तिरंगे के सम्मान के लिए जोश उमड़ता दिखाई दे रहा है। इन सभी युवाओं का नेतृत्व राजपाल शौकीन बीजेपी के पदाधिकारी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने लोगों से चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की अपील की है, साथ में भारतीय सेना के पक्ष में नारेबाजी की है। भारतीय सेना के सम्मान में इन्होंने वंदे मातरम का गान किया है। इनका रैली का मकसद ही भारतीय सेना का सम्मान करना और चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करना जो भारतीय सेना के सामने डोकलाम क्षेत्र में अड़े हुए हैं। इन सब चाइनीज का विरोध करने, लोगों में जागरूकता लाने के लिए 15 अगस्त के उपलक्ष में भारतीय जनता पार्टी के ये सैकड़ों कार्यकर्ता मंगोलपुरी से लेकर पूरी रोहिणी तक इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली है। जहां से भी ये तिरंगा यात्रा गुजर रही है लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोग भी जमकर चाइना के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार का दावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चाइनीज अर्थव्यवस्था को लगता है अब भारत की वजह से, इन भारत के लोगों की वजह से बड़ा नुकसान होने वाला है। आर्थिक नुकसान जरूर होगा चाइना को इस मुहिम से काफ़ी बड़ा, क्योंकि चाइनीज सामान की डिमांड काफ़ी घट गई है। उसी मुहिम में बीजेपी के ये कार्यकर्ता चाइनीज चीज़ों के बहिष्कार के लिए बाइक रैली निकाले हुए हैं। क्या कहा इस मौके पर भारी जिला के बीजेपी उपाध्यक्ष राजपाल शौकीन ने, सुनिए। सर्वप्रथम इस यात्रा का उद्देश्य है, हम देश में 71वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, सभी देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देनी है। उसके पश्चात हम भारतीय सेना के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं जो देश पर की सीमाओं पर खड़ी है, चाइना से हो या पाकिस्तान से हो, हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात लड़ती रहती है, उनके समर्थन के लिए निकाली। उसके पश्चात ये तिरंगा यात्रा चीन द्वारा निर्मित सामान का बहिष्कार करने के लिए निकाली गई है। हम 60 सालों से जो देश लूट रहा था, केंद्र में सरकार 60 सालों से चल रही थी, देश दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिर रहा था। भारत में नई सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हम उनके समर्थन में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं।